गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब? एक बार फिर से वेलकम है आपके अपने चैनल में। सुबह के बजे 5:30 और हालत देख के आप समझ गए होंगे मॉर्निंग का टाइम है, और आवाज़ देख के भी आप आवाज़ सुन के भी पहचान गए होंगे। और मैं बना रही हूँ चाय, सुबह की चाय, और इतना लेट बना रही हूँ आज मैं सुबह की चाय क्योंकि वैसे ना इतने टाइम से बंद थी मेरे हस्बैंड की, तो मैं बनाती थी सुबह मेरी, मैं चाय इतने टाइम से पी नहीं रही थी, लेकिन आज जो है वो चाय पीना एकदम आप ये मान सकते हैं कि मजबूरी हो गई है मेरी, क्योंकि आंखें खुल नहीं रही हैं। मतलब थोड़ा सा फिर मैंने सोचा थोड़ी सी मैं चाय ले लेती हूँ कि आंखें खुल जाएंगी। और तो अभी ना मैं आप ये देखो आटा लग, ये देखो खाना बना दिया मैंने सुबह। मतलब मैं आज सुबह 5 बजे से घर में हलचल शुरू हो गई थी भाई, तो सुबह 5 बजे से उठी हुई हूँ मैं और चाय बना रही हूँ अब अपने लिए। एक सबका खाना वगैरह पैक करके मैंने दिया है क्योंकि आज स्पेशल ड्यूटीज़ हैं, तो वो नहीं बता सकती मैं किस लिए है क्या है, वो सीक्रेट तो भी मैं रिवील नहीं कर सकती क्योंकि वो चीज़ें तो बहुत ज़्यादा सीक्रेट हैं आज वाली, तो मैं रिवील नहीं कर सकती। लेकिन सबका खाना जितने बंदों का मैंने देना था पैक करके मैंने दे दिया है, और ये आटा वाटा लगा हुआ अभी यहाँ पे, और अब बन रही है मेरे लिए चाय, मैं अपनी चाय बनाऊँगी। और ना अभी मिस कॉल आई थी मेरे हस्बैंड की, ये देखो मिस कॉल आई हुई है, एच के नाम से दिख रहा होगा ना, मिस कॉल आई हुई है, लेकिन मैंने वापस मिलाया, पता नहीं क्या भूल गए क्या हुआ, वापस मैंने मिलाया था फ़ोन लेकिन उनका बिजी आ रहा था। व्यस्त है तो अभी भी बिजी चला हुआ फ़ोन, पता नहीं क्या भूल गए। वैसे तो मैंने सारी चीज़ें दे दी हैं लेकिन पता नहीं क्या, पता क्या कुछ रह गया हो, आइडिया नहीं होता। तो फिर चाय पीऊँगी अभी, फिर मेरे को मशीन लगानी है, कपड़े धोने हैं, और क्योंकि कल अमावस थी ना, तो अमावस के दिन कपड़े नहीं धोते, अदरवाइज कल मेरे पास टाइम था कि मैं मतलब कपड़े वगैरह धो लूँ। और अब पहले सबसे पहले इंजॉय कर लेते हैं अपनी चाय, आँखों को खोल लेते हैं सुथरी तरह से अच्छे से, और फिर जो है कुछ अपना काम करते हैं, अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और कल का वीडियो जो है मैंने मेरा जो गया था 15-30 मिनट था जो चैलेंज वीडियो था, एक टिप्स एंड ट्रिक्स का जो वीडियो था, वो आप लोगों को बहुत पसंद आया, आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स हैं इस चीज़ को लेकर, एकदम प्रॉपर था, प्रॉपर जिसे बोलते हैं ना वो था व्लॉग मतलब वीडियो वो, और उसके लिए थैंक यू सो मच। चाय मैंने छान ली है अपनी, अब बैठ कर आराम से मैं चाय पीऊँगी, एक दो वीडियोस देखूंगी, चाय पीते पीते एक वीडियो देखूंगी किसी की, जिसको जिसकी वीडियो मुझे देखना पसंद है। और नहीं भाई, एक तो ना कल दूध नहीं आया था, पैकेट वाले दूध की चाय है ये, ना कल आया दूध ना परसों आया दूध, तो दूध चाय ना पता नहीं अच्छे से उबली कि नहीं उबली, मैंने तो अच्छे से उबा दी, अब पीऊँगी ना तभी पता चलेगा कि कैसी बनी है। वैसे भी इतने दिनों से मैंने चाय नहीं पी ना, तो इसका टेस्ट थोड़ा सा अजीब लगेगा मेरे को, लेकिन आँखें खोल ली भाई क्योंकि बॉडी में थकावट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। अभी चलो अभी व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं, जो फर्स्ट टाइम विजिट करें प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, विद द बेल आइकन आएगा उस पर ऑल पे क्लिक कर देना ताकि आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन पर आ जाए। और ये देखो किस किस के हस्बैंड ऐसे टॉवल छोड़ के जाते हैं, देखो सोफे के ऊपर गीला टॉवल रख के गए, और आज इवन सोफे के ऊपर तो रख दिया, अदरवाइज ना ये दरवाज़ा है इस रूम का जो दरवाज़ा आप देख रहे हो ना, इसके ऊपर टांग के जाते हैं टॉवल को, फिर सुखाना तो मुझे ही होता है। चलो भाई, सो गाइज अभी जो आपने क्लिप देखी ना, वो क्लिप मैंने बनाई थी अपने दूसरे चैनल के लिए बनाई हुई थी, वो व्लॉग पूरा रेडी था, तो बस ये एक क्लिप ही मैंने डाली है क्योंकि इसके साथ मैंने अपना मॉर्निंग रूटीन सुबह 5 बजे जो मैं उठी थी, उठती हूँ मैं सुबह 5 बजे। बहुत बार क्या होता है कि मैं अपने काम के लिए उठती हूँ, और बहुत बार मुझे उठना पड़ता है मेरे हस्बैंड के लिए क्योंकि सुबह कभी कभी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ड्यूटीज़ आ जाती हैं, तो कभी 5 बजे उठना पड़ता है, कभी मेरे को 4 बजे भी उठना हुआ है, बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैं 3-3 बजे भी उठकर मैंने बहुत सारे लोगों के लिए खाना बनाया है। जब मधुबन जाते थे ना उस टाइम पे ट्रेनिंग पे, जब प्रमोशन हुआ था उस टाइम पे मैं 3-3 बजे उठ के भी मैंने खाना बनाया है, और जब सूरजकुंड का मेला जो लगता है ना
उस टाइम पे भी ड्यूटीज वहाँ मतलब चली जाती हैं, तो वहाँ पे भी मैं 3-3 बजे उठ के, क्योंकि सुबह 5 बजे ड्यूटी पे, कभी 4 सर कभी 5 ऐसे ड्यूटी पे पहुँचना होता है, तो उनके लिए मैं ना सुबह 3-3 बजे उठ के खाना बनाती थी सबके लिए, मतलब जितने भी बंदे आसपास के होते थे ना। ऐसा ही होता है, ऐसा नहीं है कि खाली मैं करती हूँ, सबकी बीवियाँ जो पुलिस वाले हैं उनकी सबकी बीवियाँ ऐसी ही हैं, वो खाना सबके लिए भेजती हैं। कोई बाय मिस्टेक कोई बीमार है या मजबूरी होगी कुछ ना ला पाए, तो वो एक दूसरे के साथ शेयर करके खा लेते हैं। और अभी जो है मैं मकान पर जा रही हूँ, धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है, इसलिए मैंने चुन्नी ऐसे लेके रखी हुई है। और अभी जो है मैं मकान पे जा रही हूँ, थोड़ी देर पहले भी गई थी मैं, अब वापस जा रही हूँ। अभी 11 बजे का टाइम हो गया है, पहले मैं गई थी 9:30 बजे, 9:30 या 9:30 बजे गई थी और फिर वापस आ गई थी, क्योंकि बिजली वाले भैया जो हैं वो आए नहीं थे। अभी मेरे हस्बैंड का फ़ोन आया कि वो आ गए हैं, तो जहाँ पर बिजली के कनेक्शंस करवाने हैं तो वही चीज़ें जो है मैं अभी बताने जा रही हूँ भैया को, कहाँ कहाँ पे कनेक्शंस करवाने हैं, क्योंकि एक बार कनेक्शन होने के बाद दोबारा तोड़फोड़ नहीं हो सकती है, बार बार चीज़ें ख़राब होती हैं, इसे टाइम भी वेस्ट होता है, लेबर भी वेस्ट होती है, बहुत कुछ होता है, चीज़ों को कनेक्ट करें तो बहुत कुछ वेस्टेज हो जाती है। तो अभी मैं पहुँच ही गई हूँ बस, और धूप बहुत ज़्यादा तेज है, बहुत ज़्यादा। बच्चे जो हैं घर पर ही हैं, हिमांक वरुण है ना, तो हिमांक को हैंडल कर लेगा, और दूसरा फ़ोन मैं अपने साथ में ही लेके आई हूँ, आज बच्चों को नहीं देख रही हूँ क्योंकि वो दोनों कार्टून देख रहे हैं, और बहुत कम ऐसा होता है कि हिमांक कार्टून देख ले, तो फ़ोन मैं साथ में ही ले आई आज। अभी मैं भी शेयर करती हूँ आपके साथ कि क्या क्या होना है। और सुबह 5 बजे उठना मेरी ना कोई शौक है ना कोई मजबूरी, करना पड़ता है। बहुत चीज़ें ऐसी हो जाती लाइफ में जो हमें करनी पड़ती हैं, बहुत चीज़ें हो जाती हैं, खासकर वो चीज़ें समझ सकते होंगे जो जिनके हस्बैंड पुलिस डिपार्टमेंट में हैं, तो वो लोग जो हैं वो चीज़ों को समझ सकते होंगे कि हमें क्यों उठना पड़ता है। चलो भाई, और चलिए पहले एक बार दिखा देती हूँ मैं। गुड मॉर्निंग, अब मैं आपको मिल रही हूँ डायरेक्ट सुबह सुबह, कितनी अच्छी धूप है ना, बिल्कुल हल्की हल्की धूप है और सुहाना सुहाना मौसम है। और मैं जा रही हूँ, सुबह के बजे हैं 7:30 और मैं जा रही हूँ प्लॉट पे, बच्चे सो रहे हैं अभी, और मैं प्लॉट पे तिराई करने जा रही हूँ, क्योंकि मिस्त्री अंकल आके ना जिस दीवार पे प्लास्टर होना ना मतलब लिपाई, वो गीली होनी चाहिए अच्छे से, कल भी मैंने उसको गीला किया था और आज भी मतलब परसों भी किया था थोड़ा बहुत, और कल अच्छे से किया था सुबह, कल मेरे हस्बैंड ने किया था, कल शाम को मैंने किया था, अब भी मैं करने जा रही हूँ। और भी जो लंटर वेंटर पे थोड़ा बहुत पानी वहाँ पे भी डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है, तो मैक्सिमम 20 मिनट या 25 मिनट का जो है वो काम है, उसे ज़्यादा नहीं है, मैं फटाफट से करके आती हूँ, क्योंकि बच्चों के उठने से पहले ना आज मेरे को जो अभी आपने ग्रोसरी शॉपिंग हॉल देखा है मेरा, अभी जो वीडियो गया थोड़ी देर पहले, तो उसको मैनेज करना है और उसके लिए भी एक प्रॉपर वीडियो बनानी है, और फिर उसके बाद जो है कपड़े जो धोए थे उनकी भी तय लगा के रखनी है। और कई दिन से ना जो वो भैया है ना प्रेस वाले जो भैया हैं उनका फ़ोन नहीं मिल रहा है, तो अगर कोई उनका दूसरा कॉन्टेक्ट नंबर होगा तो पड़ोस वाले किससे मैं पूछूँगी, पड़ोस में दीदी एक उनसे पूछूँगी मैं, अगर कोई दूसरा नंबर हुआ तो बहुत सारे काम हैं बच्चों के उठने से पहले, मैं सोच रही हूँ काफ़ी सारे काम निपटा लूँ। और लस्सी रखी है, थोड़ी बहुत पालक है, तो पालक उबाल के थोड़ा बहुत रायता बनाऊँगी, देखते हैं और क्या क्या जितना टाइम होगा ना उसके हिसाब से काम करूँगी। चलिए भाई फटाफट से ना पहले चलते हैं मकान पे, बस मैं पहुँच गई हूँ बातें करते करते, देख लो 1-1.5 मिनट लगा होगा और मैं पहुँच गई। चलो भाई एक बार तिराई कर लूँ उसके बाद मैं आपसे बात करूँगी। मैं जा रही हूँ ऊपर, पानी मैंने चला दिया है, फटाफट से चलते हैं ऊपर, देखो ये पाइप गई हुई ना, पानी चला दिया पहले, ओ यार थकावट इतनी ज़्यादा हो जाए का दिवे चढ़ते चढ़ते, क्योंकि बहुत टाइम से बीमार चल रहे थे ना, तो इसलिए। और फिर आ गई थी मैं घर वापस, दोनों बच्चे भी सो के उठ गए हैं, और यहाँ पे ना लस्सी जो है वो पुरानी बची हुई थी एक दिन पहले वाली, तो मैं सूंघ के देख रही थी इसे खट्टी वट्टी तो नहीं हुई, फिर मुझे लगा कि मैं छान के रख दूँ, लेकिन अंकल ने बोला था कि लस्सी ना 10 बजे तक, 10:30 कितने बजे तक कितना बोला था, मतलब लस्सी आने वाली है ये बोला था, तो टाइम नहीं बोला था कि उन्होंने ये बोला था कि लस्सी आने वाली है थोड़ी देर रुक के फिर जाना, तो फिर दूसरी लस्सी भी आ गई थी, शायद 11 बज गए हूँ मुझे प्रॉपर ध्यान नहीं है,
तो मैं लस्सी लेके फिर क्या नाम है, अभी तो मैं ये जो अभी आप क्लिप देख रहे हो ना, वो बहुत पहले की क्लिप है। सुबह मैं जब तिराई करने गई थी उसके वापस आने की क्लिप है, और फिर उसके बाद मैं फिर से गई थी। अभी जो उससे पहले वाली क्लिप देखी ना, वो एक पहले ऐड हो गई थी वो बाई मिस्टेक। तो ये जो है थोड़ी बहुत पालक है वो मैं लेकर आई थी, और इस पालक को ना अच्छे से धो दिया है, काट दिया है, धो दिया है, अभी काट रही हूँ मैं। और धोने काटने के बाद एक बार फिर से धोऊंगी, ताकि इसमें जो किरकिरापन है थोड़ा सा वो निकल जाए। दो बार तो मैं टब में धो चुकी हूँ, तीन बार सॉरी, तीन बार मैं टब में धो चुकी हूँ साबुत की साबुत, क्योंकि कटने के बाद इतना किरकिरापन जो होता है वो निकलता नहीं है जितना आप साबुत धोने से जो है किरकिरापन निकलता है। और यहाँ पर देखिए काट वाट के, और मैंने इसको चढ़ा दिया है कुकर में, ढक्कन भी बंद कर दिया है। फिर उसके बाद जो है ये देखिए हमारी जो है ये सीटियाँ भी लग गई हैं, और इसको निकाल दूंगी एक छलनी में और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी। उसके बाद वरुण और हिमांग दोनों सो के उठ गए थे, और बच्चों को दूध वूध वगैरह मैं दूंगी। हिमांग तो पी चुका है, वरुण के लिए मेरे को दूध गर्म करना है। और तो सुबह के जो चाय पानी के बर्तन होते हैं वो भी मेरे क्लीन हो चुके हैं, बस इसको ठंडा होने के लिए मैं छोड़ दूंगी। अभी यहाँ पे हो रहा है दूध गर्म वरुण के लिए, बॉर्नविटे वाला जो दूध होता है वो गर्म हो रहा है वरुण के लिए, क्योंकि कल भी वरुण ने जो है वो दूध बॉर्नविटे वाला नहीं लिया था। और यहाँ पे आप सोच रहे हो कि मैंने क्या चला दिया, वही जो मेरी आदत है, या तो मैं यहाँ पे मतलब इस टाइम पे भजन सुनती हूँ, मतलब अच्छे से कुछ मोटिवेशनल वीडियोस देख लेती हूँ किसी की। मेरे पास है ना, लास्ट चैनल पे पूछा था आप किस किस के मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, कैच लाइफ विद मी भूमि जो है उनकी देखती हूँ, और दो चार और मेरे फेवरेट यूट्यूबर्स हैं उनकी मैं वीडियोज़ देखती हूँ। और हाँ, एक यूट्यूबर और हैं वो ज़्यादा मतलब उनके सब्सक्राइबर 50,000 के आसपास हैं, इंडियन व्लॉगर मनीषा हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हो। जैसे कैच लाइफ विद मी भूमि है ना, भूमि जी जो है वो बहुत अच्छे से चीज़ें मतलब मुझे बहुत मोटिवेशनल होती हैं, तो उनकी वीडियोस भी मनीषा जी की वीडियोस में बहुत मोटिवेशनल होती हैं। और एक दो व्लॉगर और हैं जिनकी मैं देखती हूँ। तो अभी यहाँ पे मैं काट रही हूँ पपीता बच्चों के लिए और मेरे लिए, थोड़ा सा मैं खाऊंगी और इसको ना उठा के फ्रिज में रख दूंगी। वरुण एक दूध जैसे इसका वरुण का हुआ ना, मैंने बॉर्नविटा वगैरह मिला दिया, तो वरुण बोला साथ में है कि मम्मी नहीं मेरे को ना बॉर्नविटे वाला दूध नहीं लेना आज, मेरे को तरबूज खाना है। मैं कहा बेटा मैंने तो पपीता काट दिया। फिर मैं कहना, फिर मेरे पास फ़ोन आ गया था, ये वरुण ने अभी आपने दिखाया ना, तो ये फ़ोन आ गया था। फिर मैंने वरुण को बोला कि बेटा अभी तो आप दूध पी लो, आके मैं तरबूज भी काट दूंगी, अभी मेरे को एक बार फिर से प्लॉट पर जाना है। तो उसने बोला ठीक है मम्मी, लेकिन मैंने ना देखो यहाँ पे मैं फ़ोन पे बात कर रही हूँ, लेकिन मैंने ना फिर भी क्या किया कि मैं पपीता काट के चली गई थी, और वरुण ने दूध नहीं दिया, पपीता खा लिया था। रायता हमारा हो गया है बन के रेडी, और मैंने जीरे का तड़का भी लगा दिया घी में। और यार जब तक पालक है ना मतलब दांतों के नीचे ना आए ना, मैं मिक्सी के नीचे उसमें नहीं कूटती हूँ, कुंडी में कूटती हूँ। और स्वाद भी तभी आता है जब पालक जो है वो दांतों के नीचे आ जाए यार, और बस पूछो मत, बहुत ही अच्छा टेस्ट बनता है। और गर्मी में ना आज लस्सी मिल जाए इससे बड़ी बात ही क्या है। सो हो गया रेडी, दूध हमारा उबल रहा है और जो आटा बन के हो गया है रेडी। अभी जो है फटाफट से मैं जैसे दूध को साइड वाली गैस पे रखूँगी और रोटियां बनाना स्टार्ट करूँगी, बस सारी चीज़ें रेडी हो गई हमारी। और अभी यहाँ पे ना मैं सारा हिसाब किताब लिख रही थी, कल जो सामान आया था नए घर के लिए तो कितने मिस्त्री लेबर लगे हुए हैं, और जो जो सामान आया है कितने पैसे का सामान आया है बिल के साथ है, और डेट के हिसाब से लिखती हूँ सारा। मतलब एक चीज़ है, जितनी भी चीज़ें होती है ना वो प्रॉपर मैनेज करके चलती हूँ मैं सारी की सारी चीज़ें। और हिमांग यहाँ पर चौकड़ी लगा के बैठा हुआ है, और ये करीबन 12 के आसपास का टाइम हो गया होगा, 12 साढ़े 12 के आसपास का शायद। और ये प्लम्बर का कुछ सामान आया था, वो ये बिल वगैरह है कितना कितना सामान आया था वो मैं लिख रही हूँ। सो गाइस इस व्लॉग का एंड भी कर लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय। और जो फर्स्ट टाइम विजिट कर प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, विद द बेल आइकन, बेल आइकन आएगा उस पर ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन पर आ जाए और आप मेरे सारे व्लॉग्स जो हैं वो देख पाओ। और हिमांग कर रहे हैं यहाँ पे मस्ती, हिमांग को ये हो रहा है कि मेरे को ना अब आगे जब जाएगी ना तो प्लॉट पर साथ लेकर ही जाएगी। सो गाइज़
टिल देन बाय बाय और थैंक यू सो मच, मुझे एक बार फिर से सपोर्ट कीजिए, आपके सपोर्ट से ही मैं एक बार फिर से अपने आप को खड़ा कर पाऊँगी, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।